गाइस आप देख सकते हैं फूड हेवन हमारे सामने देसी चाइनीज फूड का। मैन ये आइटम्स देखो आप एक बारी, हमने सारे आइटम्स ले लिया नियरली यहाँ पर। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस अब उत्तम नगर में एक ऐसे कार्ट के पास आए आज हम जो कि स्ट्रीट चाइनीज देती है, देसी चाइनीज फूड देती है हमें। और यहाँ पे हमें विशु लाया, और विशु को आप जानते ही हैं, ये मेरे ताऊ का लड़का है और इसने काफ़ी हेल्प करी थी जब हम घर से वीडियो बना रहे थे। तो भाई ये जगह स्पेशली विशु ने रिकमेंड करी थी क्योंकि ये जो कार्ट है ये विशु के ट्यूटर की है, ट्यूशन वाले टीचर की। तो तूने बताया था कि यहाँ पे भाई स्पेशल चीज़ें हैं कुछ, क्या क्या था बढ़िया यहाँ पे, क्या क्या है? फ्रेंच फ्राइज, अच्छा रोल भी अच्छे लगते हैं, अच्छा फ्रेंच फ्राइज भी बढ़िया लगे, फ्रेंच फ्राइज सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और कह रहे थे कि यहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे, मतलब कोरोना के टाइम पे भी, कोरोना के टाइम पे भी बहुत हालत ख़राब हो जाती है इधर, भीड़ बहुत लगती है, बहुत वेटिंग टाइम है। आज तो फिर भी थोड़ा सा कम लग रहा है, हालांकि अभी भी भीड़ है, मुनीशा को दिखाएगा तो साइड में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है उस भीड़ के मुकाबले जो यहाँ पे कम से कम आधा घंटा आपको वेटिंग लग जाती है, मैंने देखा है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, चलते हैं। एड्रेस की बात करें गाइस तो इसी जगह पे 2 साल पहले मैंने गुप्ता जी छोले कुलचे की वीडियो बनाई थी, जस्ट उनका टाइम दोपहर सुबह का है, इनका टाइम शाम का है। तो KM गुप्ता हॉस्पिटल ये क्लिनिक है यहाँ पे, शनि बाजार है ये उत्तम नगर। तो चलते हैं अंदर टेस्ट करेंगे। और विशु तो ऑलरेडी यहाँ का नियरली रोज़ ही खाता है, मतलब जब भी खाता है इस यहीं से लेता है रोज़, रेट भी यहाँ के बहुत ठीक है, सस्ते रेट है बहुत ज़्यादा। हाँ तो एक लाइक कर दे वीडियो को, देसी चाइनीज फूड होने वाली है आज और बढ़िया बढ़िया आपके मुंह में पानी जरूर आएगा। आइए तो गाइस कार्ट के अंदर हम आ चुके हैं, प्योर वेजिटेरियन ही कार्ट और बहुत सारे आइटम्स हैं। और कार्ट के ऑनर अजीरुद्दीन हमारे साथ हैं। सर मुझे बताइए क्या क्या है यहाँ पे? जी चाइनीज जितना भी आइटम होता है, फूड आइटम, फास्ट फूड आइटम, हाँ जी हमारे पास सारा अवेलेबल होता है, चाउमिन, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, जितनी अच्छा। जितनी भी चाइनीज आइटम होती है सब एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। अच्छा, अच्छा। यहाँ हमें पाँच या छः साल हो गए लगभग यहाँ पे लगाते हैं उत्तम नगर में। और आप ट्यूशन टीचर भी हैं? हाँ जी। और कॉलेज भी जाते हैं सर आप? हाँ जी, ग्रेजुएट हूँ मैं, BCOM मेरी पूरी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। हाँ बस वही है, थोड़ा शौक है टीचिंग का। हाँ जी। हाँ तो दिन भर टाइम मिल जाता है टीचिंग से देते हैं, शाम को इधर पापा के साथ आ जाते हैं। जी सर। हाँ जी। क्या बात है। तो गाइस चलिए वो थोड़े आइटम्स लेते हैं आगे और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो गाइस सबसे ऊपर देखेंगे आप पास्ता है रखे हुए हैं, और फिर नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं तो भाई चाप है, फिर आते हैं स्प्रिंग रोल्स, साइड में भाई चिली पोटैटो या फिर आप फ्रेंच फ्राइज जो भी, क्योंकि एक ही चीज़ से बनते हैं वो, और फिर आगे मोमोज जो सबको पसंद है। सर तो मोमोज दिखाएंगे खोल के, वेज और पनीर है ना बस? हाँ जी, सारा वेजिटेरियन, सारा वेजिटेरियन है, ठीक है। और नीचे ये अलग तरह के, अच्छा सोया वाले भी है क्या? हाँ जी, सोया दिखाएंगे एक बार, सोया बिल्कुल। अच्छा ये है सोया, ठीक है, सारा सामान वेज होता है, खुद ही अपने हाथों से तैयार होता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है सर। तो भीड़ आनी अब स्टार्ट हो चुकी है जो मैं बात कर रहा था, हालांकि उतनी भीड़ अभी भी नहीं आई है, अभी भी आप देखेंगे 10-15 जने खड़े हुए हैं, बट भाई अभी ना यहाँ पे कम से कम 25-30 जने खड़े हो जाते हैं, इतनी भीड़ आती है यहाँ पे। चलिए अब अपने आइटम्स तैयार करवाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई अभी जाएंगे, बहुत सारे फ्राइज अंदर, देख सकते हैं आप, और इसी से ही चिली पोटैटो बनेंगे, पूरा भर दीजिएगा सर, एक बढ़िया फोटो चाहिए, क्या बात है, बहुत सही। तो भाई जैसे हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, वैसे ये फ्रेंच फ्राइज अभी इस कढ़ाई के अंदर कूद रहे हैं। कुछ भी बात बोलते हैं। पर भाई बड़ा मस्त लग रहा है यार, आप देख सकते हैं बुलबुले उठ रहे हैं, और सच में इसको देखकर तो भूख जाग रही है अब। और आपके कमेंट भी थे कि ऋषभ भाई बड़े दिनों से चाइनीज आपने कवर नहीं करा था, तो विशु में ले ही आया यहाँ पर, और मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर खाने के लिए, यहाँ पर भीड़ खड़ी है पूरी साथ में, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हमारा पास्ता बनना रेडी हो रहा है, सर ने डाल दिया ऑयल, फिर भाई वेजीज वगैरह, कैप्सिकम, हाँ भाई शिमला कैप्सिकम, ये प्याज, तो सर कोई रेड सॉस व्हाइट सॉस वाले सिंपल देसी वाला पास्ता है? देसी वाला, रेड सॉस वाला। अच्छा अच्छा ठीक है। ये हरी चटनी, ये आ गया भाई पास्ता, मसाला, और मसाले में क्या क्या ऐड करते हो सर? सारे देसी मसाले होते हैं अपने हाथ से तैयार, हाँ जी खुद ही पिसवाते हैं हम। अच्छा अच्छा, हर तरह के। जी सर। Thank you.
आई थिंक रेडी होने हो ही गए हैं बस, है ना भाई। तो अब बनेंगे चिल पोटैटो, सबने ऑयल डाल दिया, दोबारा कैप्सिकम और प्याज, हरी चटनी। तो बेस सबका ज़्यादातर सेम ही है वैसे चटनी वगैरह में जी। ये आ गए हमारे फ्राइज मसाले, और ये सर के भाई अपने मसाले कूटे हुए करके। और चिल्ली पोटैटो भाई मेरा चाइनीज में फेवरेट है, अलोंग विद चिल्ली पनीर, बढ़िया। तो इसमें भी थोड़ी सॉसेस चलेंगी, ये देखिए थोड़ा पीछे हो जाता है, हरी चटनी। आई थिंक ये स्पाइसी सॉस है, और ये मेयोनीज। तो यहाँ हो चुके अपने चिल्ली पोटैटो रेडी पूरे, पूरा ढक्कन खोल के दिखाई बड़ी। ये है वेज। वेज हाँ ठीक है, ये तो दिल्ली दिल्ली वालों की जान है भाई मोमोज तो, ठीक है। और फिर पनीर, आप पनीर अच्छा, ये आगे पनीर ढक्कन हटा दो यार एक बार, ये देख। यूट्यूब पर डालते हैं। हाँ जी भैया, ये पनीर वाले, ये पनीर वाले, ठीक है। मसाला तो गाइस आप देख सकते हैं, फूड है बना हमारे सामने देसी चाइनीज फूड का। मैन ये आइटम्स देखो आप एक बारी, हमने सारे आइटम्स ले लिए नियरली यहाँ पर जितने भी थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी प्राइसिंग की बात करूँ ना, मुझे लगता है कि सारे आइटम्स है ना 150 रुपीज़ से ज़्यादा के नहीं है। ये 35 रुपीज़ की हाफ प्लेट चिली पोटैटो, 20 रुपीज़ की पास्ता, ये क्वार्टर है, ये 20 के चाप, और ये आई थिंक 35-40 रुपीज़ के आसपास ये पूरा है। तो 100-110 रुपये बनता है, इतना सस्ता देसी चाइनीज फूड अगर आपने खाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या बढ़िया गैस में, चल टेस्ट करता है। तू तो कर ही चुका पहले, मैं तो सारा खा रखा है। हाँ उठा ले चम्मच उठा, तो शुरुआत करते हैं। मेरे को पास्ता बड़े मस्त लग रहे हैं यार देख कर ना, ये देखो भाई, ये ले विशु। क्रीमी पास्ता है और हल्का सा स्पाइसी साइड है, जो एक देसी पास्ता होता है गाइस। ना ये मैं इसे मिक्स सॉस कहूँगा, ना इसे व्हाइट सॉस कहूँगा, ये जस्ट एक देसी पास्ता है। ये देखो भाई भैया साइड ना, भाई जो देसी मसालों के स्वाद आ रहे हैं ना वही आ रहे हैं। मुझे कोई इटालियन नहीं लग रहा, ये मुझे प्योर देसी लग रहा है। चिली पोटैटो बात है, ये पनीर की गार्निशिंग करी है अच्छा, ये देखिए गर्मा गर्म। भाई बढ़िया लग रहे हैं, तो क्रिस्पी हैं काफ़ी और टैंगी से स्वाद दे रहे हैं, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगे भाई। जब चाप पे आते हैं, चाप को चटनी के साथ देते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं हरी चटनी। वैसे एक चीज़ तो है, इनकी ना ग्रेवी जो है नियरली सेम थी, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट ना तीनों का मिल रहा है, मतलब बेस अलग है पर टेस्ट तीनों का मिल रहा है, क्योंकि सॉसेस एक ही डली हुई है अंदर। लेना शर्मा भी रहा है और लेते हैं फ्राइज जो सबसे ज़्यादा बिक रहे थे यहाँ पे, हालांकि मसाला है इसमें तो पहले बिना चटनी के ट्राई करते हैं, बच्चों की फेवरेट है समझ गया मैं, बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं। फिर आता है भाई दिल्ली के स्पेशल, जो कि शायद ही किसी को पसंद ना हो, वो है मोमोज। मोमोज वाली चटनी के साथ
सही है, नॉर्मल है। थोड़ी सी और स्पाइसी चटनी होती तो मैं और ज़्यादा मज़ा आता इसमें। फिर आते हैं रोल पे, स्प्रिंग रोल पे। ये इसके लिए स्पाइसी चटनी के साथ देते हैं। तो भाई जो सारे आइटम्स हैं ना, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वैसा मत समझिए कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, देसी आइटम्स हैं। और इसमें ज़्यादातर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मसालों का, थोड़े स्पाइसी थोड़े कम, बट नियरली सब सेम टेस्ट है क्योंकि ग्रेवी सेम है। बट हाँ, अगर आप आते हैं और आपका बजट जितना है, अगर 100 रुपये के अंदर भी आप यहाँ पर सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, वो बात है। तो भीड़ है यहाँ पर और अभी तो और ज़्यादा आने वाली है। तो टाइमिंग की बात करें, शाम 5 से रात 11 बजे तक है। और कितने दिन खुले रहता है? सैटरडे ऑफ है। सैटरडे ऑफ है, बाकी सारे दिन खुले हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो बढ़िया यहाँ का खाना कैसा लगता है? हाँ, बढ़िया है, पैसों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया खाते हैं। अच्छा, सही है, मतलब पूरा देसी फूड है। हाँ। क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, तो गाइस आए कभी ट्राई करें और हमें बताएं आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।